हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि पीवीसी डंबल्स और विनाइल डंबल्स में डिफरेंस क्या होता है, हमको कौन सा डंबल इनमें से लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए ताकि हमको अच्छा डंबल मिले। तो चलिए आज वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो पीवीसी डंबल्स होते हैं और जो विनाइल डंबल्स होते हैं उसमें वही पॉलीकार्बोनेटेड विनाइल से ही वो बने होते हैं। उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो विनाइल से बनी होती है। अब आप सोचेंगे ये विनाइल क्या होता है। विनाइल एक टाइप का प्लास्टिक होता है एंड ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे ऐसा प्लास्टिक आता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको आपके घर में विंडोज़ बनाने में काम होता है और भी चीज़ों में काम होता है। जैसे सपोज़ आप अपने कार हो गए उस पर विनाइल शीट्स का रैप लगवाते हैं ताकि उसका ओरिजिनल कलर वही रहे, क्योंकि जब आप शीट उतार देंगे तो ओरिजिनल कलर वैसा ही रहेगा। सो, ये तो हो गया कि विनाइल होता क्या है, पॉलीकार्बोनेटेड विनाइल, ये कि थर्ड दुनिया में सबसे यूज़ होने वाला प्लास्टिक है। सो, अगर हम बात करें पीवीसी डंबल्स की और विनाइल डंबल्स की, सबसे पहले अगर आप लोकल मार्केट से परचेस करने जा रहे हें पीवीसी डंबल्स, तो आपको मेक श्योर करने कि 30 रुपीज़ से ज़्यादा आपको नहीं मिले। अगर आपको 30 रुपीज़ से 40 रुपये के बीच में पीवीसी डंबल मिल रहा है पर केजी, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं मार्केट से। जिनका बजट कम है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम विनाइल डंबल्स की बात करें तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। वो क्यों कॉस्टली होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पीवीसी की प्लेट को कट करके बताया था कि उसके अंदर सैंड फिल होती है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो, पीवीसी डंबल जो होता है वो बाहर से तो घटिया प्लास्टिक का होता है, वो विनाइल का भी नहीं होता है प्रॉपरली। और उसके अंदर उन्होंने एक कैप होती है साइड पे प्लेट के, वहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है, सैंड को फिल किया होता है, कंक्रीट को नहीं, सैंड को फिल किया होता है। उससे आपका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप वेट करते टाइम किसी हार्ड सरफेस पे पीवीसी प्लेट को थ्रो कर देते हो तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपने जितने भी पैसे अपने वेट्स में इन्वेस्ट किए हैं वो सब आपके वेस्ट हो जाएंगे। बट जिनका बजट थोड़ा कम है, जो रबर डंबल या विनाइल डंबल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो पीवीसी डंबल्स हैं वो परफेक्ट हैं। बस उनको प्रिकॉशन लेना है कि ज़्यादा ज़ोर से डंबल नहीं फेंकने हैं और आराम से इंसानों की तरह वर्कआउट करना है। अब जिम तो जिम होता है, वहाँ पर जितना मर्जी थ्रो करो वहाँ पर ब्रांडेड प्लेट्स होती हैं, बट आपके घर पे इतनी ब्रांडेड प्लेट्स नहीं होंगी तो आपको ये माइंड में चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर हम विनाइल डंबल्स की बात करें, सो, जितने भी मैं डंबल्स बताऊँगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। विनाइल डंबल्स मेनली क्या होते हैं, जो फिक्स्ड डंबल्स होते हैं, एडजस्टेबल नहीं होते। मेनली जो पीवीसी डंबल्स होते हैं वो एडजस्टेबल डंबल्स होते हैं, बट जो विनाइल डंबल्स होते हैं वो एडजस्टेबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, जो विनाइल डंबल्स होते हैं वो अंदर से मेटल के होते हैं और जो उनकी आउटर सरफेस होती है वो प्रॉपरली प्योर विनाइल प्लास्टिक की होती है जो कि काफ़ी शाइनी होती है। अब आप पीवीसी में से पीवीसी की एक डंबल ले लेना और विनाइल का डंबल ले लेना, दोनों में आप देखना कि किसमें मेन ज़्यादा शाइन आ रही है एंड वेट में भी काफ़ी पकड़ने में लगता है कि हाँ भाई कुछ हमने पकड़ा है। सो, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप विनाइल डंबल्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप विनाइल डंबल परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है तो आपको पीवीसी डंबल ही लेने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विनाइल डंबल जो मोर ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी, क्योंकि वो अंदर मेटल से बना होता है और बाहर उसके आउटर कवरिंग जो होती है वो प्योर विनाइल की बनी होती है और ये फिक्स्ड डंबल होते हैं। फिक्स्ड डंबल का मतलब हो गया आप इसमें वेट को चेंज नहीं कर सकते हो, वेट उतना ही रहेगा। बट ये थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली होने के साथ ये ड्यूरेबल भी होते हैं। मे बी ये 5-10 ईयर्स तक चलें, बट पीवीसी डंबल एक बार गिर गया तो उसके चांसेस बहुत कम है सर्वाइव करने के। सो, अगर आप लॉकडाउन में परचेस करना चाहते हैं पीवीसी डंबल या विनाइल डंबल, सो, जिनका बजट थोड़ा ज़्यादा है वो विनाइल डंबल ले सकते हैं, जिसका बजट थोड़ा कम है वो पीवीसी डंबल ले सकते हैं। बाकी मैंने रबर डंबल के बारे में वीडियो बनाई है, लिंक आई बटन में दे दूंगा। और ये जितने भी मैंने पीवीसी और विनाइल के डंबल बताए हैं उनका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।